कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र के अंदर कोचिंग का रास्ता यदि बताया है तो किसी ने, वो बोस ने बताया है। आज गांव-गांव के अंदर, ढाणी ढाणी के अंदर डॉक्टर और IITian जो है, मैं कहता हूं कि नॉर्थ इंडिया का सबसे बेटर एजुकेशन इंस्टीट्यूट यदि कोई है तो वह CLC है। मैंने CLC को प्राथमिकता दी और वहां पर जो मैं उम्मीदें लेकर गया, उन उम्मीदों से 200 गुना ज़्यादा मुझको वहां पर मिला। मेरे परिवार से CLC ने 5 डॉक्टर दिए हैं और छठा डॉक्टर जो है अभी परीक्षा में वेटिंग में है, इंतज़ार कर रहे हैं। ये छठा डॉक्टर होगा मेरे परिवार से, 5 ऑलरेडी डॉक्टर बन चुके हैं। और जैसा बोस ने बढ़ाया, बड़ी बेटी दिल्ली यूनिवर्सिटी से MSc है मैथ से, प्लस JRF है मैथ से, और यदि इनके संपर्क में आता तो बिल्कुल ठीक बात है, शायद इससे बढ़िया मुकाम पर होते। अब रही बात, जब बेटी साक्षी 13.5 लाख बच्चों में राजस्थान में 7वां नंबर था, और जैसे बोस ने मुझको बाध्य किया कि मैं किसी कोचिंग का नाम न लूँ, उन कोचिंगों से भी काफ़ी फ़ोन आए कि मैं बेटी को वहाँ पर एडमिशन करवाऊँ, परंतु मैंने CLC को प्राथमिकता दी और वहाँ पर जो मैं उम्मीदें लेकर गया, उन उम्मीदों से 200 गुना ज़्यादा मुझको वहाँ पर मिला। तब मैंने वहाँ हॉस्टल के अंदर बच्चों से पढ़ाई के बारे में, खाने के बारे में, 2 बच्चों से, 5 बच्चों से, 10 बच्चों से एक जानकारी हासिल की, तो उन बच्चों ने, सारों ने मुझको CLC के सकारात्मक बातें बताई। तो मैंने सोचा शायद हो सकता है कि इन बच्चों को ट्रेंड किया गया हो इनके वार्डनर द्वारा। मैंने मेरी बेटी को वहाँ छोड़ा और उससे जब मैं 5 दिन 10 दिन, मैंने 2 महीने में जब रिपोर्ट करता था कि बेटा खाना कैसा मिलता है, तो वो बेटी जब मुझको बताती थी तो मैं ये सोचता था कि अपने घर से भी बढ़िया खाना CLC के अंदर उपलब्ध है। रोटियां जो सीखी हुई हैं, खीर जो वहां पर बनती थी, हलवा जो वहां पर बनता था, काफ़ी पेरेंट्स वहां का विजिट कर चुके होंगे। तो मैंने ये देखा कि वास्तव में वह एक शिक्षण संस्थान नहीं बल्कि एक गुरुकुल है, वह CLC गुरुकुल है। मैं तो ये समझता हूँ कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र के अंदर कोचिंग का रास्ता यदि बताया है तो किसी ने, वो बोस ने बताया है। आज गांव-गांव के अंदर, ढाणी ढाणी के अंदर डॉक्टर और IITian जो है, मैं कहता हूँ कि नॉर्थ इंडिया का सबसे बेटर एजुकेशन इंस्टीट्यूट यदि कोई है तो वह CLC है। अब बात करता हूँ, जब मैं CLC गया तो मुझको मालूम पड़ा कि साहब 8 बजे से रात को 1:30 बजे तक नाइट कैंप लगेंगे। तो मैंने शुरू में सोचा कि यार नाइट कैंप का क्या मतलब है, बेटी है, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि व्यवस्थाएं देखते हैं। लेकिन 10 दिन बाद मैंने बर्बाद जब मैंने पाया तो इनका जो नाइट कैंप है ये इनकी सबसे बड़ी ताकत है। वहाँ पर जो पढ़ाई का माहौल मिलता है, सबसे बड़ी बात यह है कि बोस रात को 1:30 बजे तक कभी कर्मस्थली, कभी मकड़ी नाथ, कभी कलाम, कभी कहीं, सारे हॉस्टलों के अंदर 1:30 बजे तक बच्चों के साथ में खड़े होकर जगना और उसके बाद में फिर 5 बजे खड़े हो जाना। मित्रों, फिर थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ कि उसके बाद में 1.5-2 साल से हौसले पस्त हो गए सभी शिक्षण संस्थाओं के, अभिभावकों के हौसले पस्त हो गए कि अब क्या होगा। बच्चा 2 साल से तैयारी कर रहा था, 3 साल से तैयारी कर रहा था, शिक्षण संस्थाएं बंद हो गई। तब से मैं देख रहा हूं बोस को कि इन्होंने ऑनलाइन कार्यक्रम शुरू किया और ऑनलाइन कार्यक्रम शुरू होने के बाद में उन अभिभावकों के, उन बच्चों के साथ में खड़े रहे, उनके हौसलों के, उनके मनोबल को इन्होंने डाउन नहीं होने दिया। मेरा बेटा भी, जब मैं DTS का स्कोर देखता था, इनका टाइम होता था कि 7 बजे उसका रिजल्ट देना है, 8 बजे उसको मेडल पहनाना है, उनको मोटिवेट करना है, कभी इन्होंने मिस नहीं किया। ये इनकी एक बड़ी खूबी थी, सबसे बड़ी चीज़ थी। अब बात करता हूँ मोटिवेशन की, तो जब किसी का बेटा पढ़ता है और वो साल भर तैयारी करवाता है और फिर भी बच्चा कमज़ोर रहता है, तो वो 1 महीने पहले अपने बेटे को कहता है, भाई बहुत कही थी, पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले, लेकिन पढ़ाई पर ध्यान नहीं दिया, अब तो ट्रेन छूट चुकी, अब तो परीक्षा दिया, जैसा रिजल्ट आएगा आ जाएगा। लेकिन बोस को मैंने परीक्षा से 5 दिन पहले, 3 दिन, 3 दिन पहले, 2 दिन पहले, 1 दिन पहले तक लाइव पर ये बोलते देखा है कि बेटा वो अभी ट्रेन छूटी नहीं,
अभी ट्रेन छूटी नहीं, डॉक्टर बन सकते हो, अभी भी तैयारी करो। 400 का हौसला नहीं टूटने दिया, 500 का हौसला नहीं टूटने दिया इन्होंने, और सभी को एक मोटिवेट करते रहे। पिछले कोरोना काल में मैं समझता हूँ कि इनके 600 साढ़े 600 जहाँ तक मेरा अनुमान है सलेक्शन थे, और अब की बार इससे प्लस शायद है कि 1000 की संख्या CLC पकड़े। इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। थैंक्स बॉस बानसुर में पधारने का। थैंक यू मोहन जी, आपका बेटी साक्षी सिलेक्ट है, आप लातूर से MBBS कर रहे हैं, गौरव के 625 का स्कोर बन रहा है जिसको राजस्थान को ले बहुत आराम से मिल जाता है।